सो हे गाइज, दिस इज रिया चौधरी एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के बच्चे पूछ रहे हैं क्योंकि न्यू एडमिशन हो रहे हैं, तो सबको हॉस्टल्स के बारे में जानना है, अपने कोर्सेज के बारे में जानना है और एडमिशन्स के बारे में जानना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉमेंट्स कर रहे हैं और बहुत ज्यादा स्टूडेंट मोस्टली तो यह कि नीचे से डिस्क्रिप्शन में से आईडी लेके इंस्टाग्राम की, दोनों इंस्टाग्राम आईडी पे बहुत 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 ज्यादा मैसेजेस कर रहे हैं, जिनके सबके आंसर्स करने में मेरे को बहुत दिक्कतें हो रही है क्योंकि एक एक पर्सन को उनको जो जो उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूछे जा रहे, पूछ रहे, उनका आंसर देना बिल्कुल भी इजी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मुझे अब ये वीडियो बनानी पड़ रही है। उनके जो दो चार बंदों के तो क्वेश्चन मैंने लिख लिए थे, सबके लिख नहीं पाई हूँ, बाकी जो जो मेरे याद आता रहेगा मैं उसमें आंसर करती रहूंगी। पहली वीडियो में बनाने वाली हूँ हॉस्टल को लेकर, क्योंकि हॉस्टल को लेकर बच्चे ज्यादा परेशान है। सेकंड वीडियो में आपके एडमिशन को लेकर बना दूंगी। हॉस्टल टूर भी मैं मतलब एक वैसे तो मैं दे चुकी, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मैं दे चुकी हूँ, लेकिन चलो मैं रूम टूर फिर से दे दूंगी, सारी चीजें दिखा दूंगी, समझा दूँ क्योंकि बाथरूम कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, पूछने में लगे जा रहे हैं, तो मैं एक बार और इसका बता देती हूँ। और मैस के बारे में भी बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है कि मैस के खाने की वीडियो हमें एक बार बता दीजिए, दिखा दीजिए, तो उसकी वीडियो मैं बना दूंगी और मैं उस पर अपलोड कर दूंगी। तो सबसे ज्यादा मेरे पास जो कॉमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि NIU जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है इसके अंदर हॉस्टल है या नहीं है। NIU के अंदर हॉस्टल है, एक हॉस्टल है, ठीक है, बॉयज का और गर्ल्स का एक एक हॉस्टल है, उसके अलावा और कोई हॉस्टल नहीं है, और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है। जब आप एडमिशन के लिए जाओगे या उनसे फोन करके कोई क्वेरी करोगे तो वो आपको उस हॉस्टल के बारे में बोलेंगे नहीं। उस हॉस्टल में मोस्टली अगर कोई रहता है तो जहां तक मुझे पता लगा है उसमें MBBS के बच्चे रहते हैं, ठीक है, मेडिकल के रहते हैं और उससे भी नीचे कुछ कोर्सेज होंगे तो वो, लेकिन हर एक बच्चा नहीं रहता। NIU ने कोलैब कर रखा है अन्नपूर्णा नाम के हॉस्टल से, और अन्नपूर्णा के 20 के आसपास हॉस्टल्स हैं बॉयज के और गर्ल्स के। तो वो जब फोन पे बात करते हैं, जब वो कुछ बताते हैं, वो बोलते हैं कि हमारा हॉस्टल है। NIU बिल्कुल भी क्लियर नहीं करता कि वो खुद के हॉस्टल में नहीं, जिससे उसने कोलैब कर रखा है, यानी अपने स्टूडेंट को जिस हॉस्टल में भेजता है और वहां से जो उनका कमीशन बनता है वहां का बताते हैं कि जी ये हमारा हॉस्टल है, यहाँ पे ऐसे ऐसे रह लो, कुछ क्लियर नहीं होता। जब आप रहने लग जाते हो तब आपको पता लगता है कि सेम चीजें मेरे साथ हुई, मैं बता रही हूँ आपको। तो जब मैं गई थी तो मुझे यही बताया गया था कि 4-5 किलोमीटर दूर होगा हमारा हॉस्टल है फलाना रिमकाना, बस यहाँ के पता चला कि 13-14 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है मुझे, और ट्रांसपोर्ट सब इनका हॉस्टल का होता है। हॉस्टल का भी बता रही हूँ, धीरे धीरे मैं तो कह रही हूँ क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या उसकी जो चार्जेस है वो भी बता रही हूँ मैं। तो वो अपने बच्चे इनके पास भेजते हैं, मोस्टली NIU के ही अन्नपूर्णा में भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है GU GBU और MIT वगैरह के स्टूडेंट इसमें नहीं रहते, वो भी रहते हैं, पर मोस्टली तो सबसे ज्यादा अगर भर भर के स्टूडेंट है वो NIU के है, ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो वो अपने स्टूडेंट यहाँ पे भेजेंगे, आप अपना हॉस्टल यहाँ से चूज करेंगे कि एक आधा हॉस्टल आपको दिखाएंगे वो, और उसमें से आप चूज करके रहेंगे। हॉस्टल का चार्ज क्या है मैं बता देती हूँ, 3-सीटर AC जो चार्ज है 1,40,000, फिलहाल इन्होंने फीस बढ़ा दी गई है, मेरी 1,25,000 थी और विद सिक्योरिटी तो 1,35,000 हो गई है, और 1,100 रुपए लेते हैं वो, जो आप एग्रीमेंट फिल करते हो साइन करते हो उसके चार्ज अलग थे। तो मैंने टोटल पूरे ईयर में इनको सबमिट की थी 1,36,000, पर इनकी जो फीस हो चुकी है वो हो चुकी है 1,40,000, इन्होंने बढ़ा दी है। क्वेश्चन आता है इनके टोटल हॉस्टल कितने, कहाँ हैं, कैसे हैं, डिस्टेंस विस्टेंस, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि NIU से तो डिस्टेंस पे इनके हॉस्टल्स हैं, ठीक है, जो सारे मोस्टली हॉस्टल्स हैं नॉलेज पार्क एरिया के आसपास है ये सारे हॉस्टल्स। कुछ हॉस्टल्स ऐसे हैं कि कुछ हॉस्टल्स की दीवारें टच है, कुछ हॉस्टल ऐसे हैं कुछ कुछ किलोमीटर दूर है। जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ ये गामा नाम की सोसाइटी में है, और ये उनके जो हेड ऑफिस है वहां का या और अदर हॉस्टल्स है उनसे थोड़ा दूर है। इनके हॉस्टल्स बढ़ रहे हैं, जगह जहां जहां अलग अलग जगह पे ये जगह ले रहे हैं, ये रेंट पे बिल्डिंग्स ले रहे हैं या खुद की खरीद रहे हैं या खुद की बना रहे हैं, ये सारे कामों में लगे हुए हैं। तो जहां इनको मिल जाता है वहां अपना ये हॉस्टल शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो अभी मैं एक पर्टिकुलर एरिया नहीं बता सकती कि इसी में ही इनका हॉस्टल्स है, क्योंकि हॉस्टल मैंने बताया कि 20 के आसपास इनके हॉस्टल हो चुके हैं और इसी ईयर में और भी ज्यादा संख्या बढ़ने वाली है। इनका जो हॉस्टल का है तुम वो आपको बता देंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, आप एक आधा कर देखोगे तो आप उसमें से चूज कर लोगे, चलो ठीक है मुझे यहाँ पे रहना और यहाँ से। अब आते हैं हम ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट का भी बहुत इश्यू हो रहा था बच्चे को कि उसमें इंक्लूडेड है या अलग से। भाई भाई आपने जो हॉस्टल की फीस सबमिट कर दी है ना,
140,000 जो आपने हॉस्टल की फीस सबमिट कर दी है, उसमें आपको ट्रांसपोर्ट मिलेगा आने का जाने का, इवन मार्केट तक ले जाने का, हफ्ते में दो बार आपको मार्केट लेके जाएंगे। अगर चार टाइम का आपका खाना होगा, तीन टाइम का नॉर्मल सुबह का और दोपहर का और रात का जो खाना है उसके बीच में स्नैक्स आपको जब आप कॉलेज से आओगे या फिर जो भी यहाँ भी रहोगे तब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है, तो आपका वो चार टाइम का खाना हो जाएगा। मेन्यू क्या है वो मैं जब जिसमें मैं खाना दिखाऊंगी ना उसमें आपको प्रॉपर मेन्यू बताऊंगी, अपनी स्क्रीन पे दिखा दूंगी और खाना भी दिखा दूंगी। आपका खाना हो गया, लॉन्ड्री हो गया, वाईफाई फ्री हो गया और जिम और थोड़ा सा गेमिंग एरिया कुछ हॉस्टल्स में है। जो आप पेमेंट करते हो वो इसी के अंदर आता है, आपको एक रुपया अलग से फिर नहीं देना होता कि इस चीज का आप अलग से पे कर रहे हो। फिर ये होता है कि बस किस टाइम जाती है, किस टाइम आती है कॉलेज की, ये सबकी क्लासेज एक साथ होती है नहीं होती है, सबकी क्लासेज अलग अलग टाइम पे होती है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे ये बस प्रोवाइड करा रहे हैं। उधर से वो दोपहर के 1:30 बजे से बच्चों को उठाना शुरू करते हैं, एक एक घंटे बाद एक एक घंटे बाद एक एक बस आती रहती है, तो वो शाम के 6 बजे तक उठा लेते हैं। NIU के क्लास 4:30 बजे तक चलते हैं तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो गलगोटिया के हैं उनके लिए भी 6 बजे तक अगर उनकी क्लास चलती है तो 6 बजे वाली एक बस आती है, जिसमें वो क्या करते हैं कि एक ऐसे कट पे रोक लेते हैं जिसमें अगर कोई NIU का भूला पिछला बच्चा रह गया तो वो भी आ जाता है, बाकी वो गलगोटिया के लिए तो होती ही है। तो ट्रांसपोर्ट की कोई वो वाला इशू नहीं है कि बस आपको टाइम पे नहीं मिलेगी, वो तो मिल जाएगी, बट ट्रांसपोर्ट का एक इशू है जो बहुत ही ज्यादा वाहियात है जिससे हर कोई सर्वाइव कर रहा है। कभी फिर मुझे गालियां दो कि नहीं बताया था, वो ये है कि बच्चों को भूसे की तरह भर के लेके जाते हैं। गर्मी हो रही है ना अभी, इतनी घुटन और गर्मी है, जो बच्चा सीट पे बैठा है चलो वो तो बैठ गया है, पर जो बच्चा खड़ा है उनको इतनी ज्यादा बुरी तरीके से भर देते हैं, जैसे नॉर्मल लोकल बसेस होती है ना ऐसे ही अपनी हर एक बस को भर के लेके जाते हैं। कुछ बच्चों को बैठने का मौके मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। आज तुमको मिल गया, आज हमको मिल गया, सबने दौड़ दौड़ के सीट पकड़ते हैं, बस आ गई तो पागलों की तरफ भाग के जाते हैं, जिसने पहले पकड़ ली जो, वरना फिर अपना तुमको पता है कितना किलोमीटर है, और अगर बच्चे को छोड़ते आए तो पूरा 1 घंटा ही लग जाता है आने में। वैसे डायरेक्ट जाए तो आधा घंटे का रास्ता है हमारे हॉस्टल से वहां तक का, पर हर एक स्टॉप पे छोड़ते छोड़ते आते हैं तो पूरा 1 घंटा लग ही जाता है। तो उस टाइम में आप फिर खड़े खड़े सर्वाइव करोगे, ठीक है, वो बता दे रही हूँ। और ऊपर से गर्मी में उल्टी लगने को हो जाती है, इतनी गंदी गंदी पसीने की स्मेल हो जाती है। बस में कोई एसी वैसी है, नॉर्मल स्कूल बस होती है ना जो वो येलो कलर की दिखाई देती है, बेसिकली अन्नपूर्णा बड़ा बड़ा सा साइड में और आगे वो चिपका हुआ मिलेगा आपको, ऐसी बसेस होगी वो आपको यहां से जाने में भी काफी सारी मिलेगी, उधर से आने में भी काफी सारी मिलेगी। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो आप इनको कॉल करके भी बोल सकते हो कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ से ले लो और मेरी तबीयत ऐसे खराब है। तो अब तक मतलब एक बार तो हमने बुलाया था कॉल करके, मेरी एक बार हुई थी, अब का पता नहीं अब कैसे क्या चल रहा है, बट हाँ ऐसा था। और ट्रांसपोर्ट की वजह से बच्चे बहुत दुखी रहते हैं, खाने की वजह से भी थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं, बट खाने की बताऊंगी मैं उसके बारे में अलग वीडियो में। और क्या आता है, फैसिलिटीज होगी, अपना खाना पीना, जिम विम, अपना वाईफाई हो गया। और तो मुझे कुछ याद ऐसा आ नहीं रहा है, क्वेश्चन पिक कर लेते हैं बच्चों के। तो पूछा है कि किस किस सब्जेक्ट के लिए हॉस्टल्स है, भाई किसी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का हॉस्टल नहीं है, अब स्टूडेंट होने चाहिए। एंट्री क्या होती है हॉस्टल की, हाँ ये भी मेन क्वेश्चन है। देखो अगर गर्ल्स के हॉस्टल की बात बताऊं तो 9 बजे की लास्ट एंट्री होती है, बॉयज की बताऊं तो 10 बजे होती है, बट बॉयज तो बॉयज है, 11-12 बजे तक भी बाहर घूम लेते हैं। अब आ जाते हैं हम फीस की तरफ, जबकि कब कब हम सबमिट कर सकते हैं, कितनी बार में कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके कर सकते हैं या पूरा एक बार ही करना होता है। देखो ये NIU वाले बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, इन्होंने मुझसे भी 2 महीने पहले ऐसे फीस ले ली थी पूरी, मैंने 1,15,000 अपने आने से पहले देखने से पहले इनके ट्रस्ट पे वहां से इनको ट्रांसफर कर दिया उनके अकाउंट में, NIU वालों के अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है कि कोलैबोरेशन कर रखा है तो कुछ अपना हिस्सा काट के इनको देते होंगे, वो कोशिश करते हैं कि उनके अकाउंट में जाए, और ये लोग कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट बच्चा हमारे पास आए तो उनको हमें कमीशन देना ना पड़े। तो इनकी इन कोशिशों के बीच में ना बच्चा पिस जाता है, मेरी बहुत ऐसी तैसी हुई है सिर्फ 10,000 को लेके, क्योंकि नॉन एसी की फीस सबमिट कर दी थी मैंने, और यहाँ पे फिर एसी वाला कमरा मिल गया, फिर मैंने 10,000 एक बार सबमिट किए, फिर 10,000 जो रह रहे थे वो सिक्योरिटी में से, और जो सिक्योरिटी वाले जो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है सिक्योरिटी में से काट लेंगे,
उसके लिए मुझे इतनी चप्पलें घिसनी पड़ी ना, मुझे पता है मैंने अब तक लास्ट टाइम तक मैंने बहुत दिक्कतों में रही हूँ। वो बोलते हैं कि हमने एनआईयू वालों को बोल दिया आपका नो ड्यूज क्लियर करा देंगे, एनआईयू वाले बोलते हैं कि हम ऐसे नो ड्यूज क्लियर नहीं करेंगे, तुम जाओ तुम्हारे जाने के बाद कर देंगे, अब कर देंगे नहीं कर देंगे। अब मुझे क्लास में से बीच में से उठ उठ के ऐसे आना पड़ा ना, तो अपना पहले ही क्लियर कट रखना बिल्कुल अपनी फीस, और आप करा सकते हो उसमें करा सकते हो। वैसे ऐसा टाइमिंग होती है कि आप 3 बार, ये बोलेंगे 3 बार आप पेमेंट कर सकते हो अगर इस बार बोले तो, क्योंकि बेसिकली अभी ऐसे ही होता आ रहा था। अब बहुत सारी चीजें इस बार ये चेंज करते जा रहे हैं वो मैं कह नहीं सकती। तो आप 3 बार में आराम से सुकून से पेमेंट कराना अपने बजट के अकॉर्डिंग कि ठीक है हमने इतनी कर दी, इतनी कर दी और इतनी कर दी। कुछ बच्चों ने तो अब तक पेमेंट की है, ठीक है चलते काम सारे हैं, बट ये है कि कुछ लोगों के ऊपर ऐसे हवाई मचा देते हैं कि अभी करो ऐसे करो, और हम इतने इनोसेंट होते हैं हम एकदम से कर देते हैं। पर ये कि इनके चक्कर में नहीं फंसना, एनआईयू वालों के और इनके इनके बीच में बच्चा है तो कि नो ड्यूज ही नहीं क्लियर हो रहा है, उनके ऑफिस में खड़ा है, ऑफिस में खड़ा है, इनके ऑफिस में खड़ा है, यहाँ है वहाँ है, वहाँ ये कहते हैं वो करेंगे, वो कहते हैं ये करेंगे, तो वो उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। एक जगह ही अपना क्लियर कट रखना, ठीक है। ये फीस के बारे में बात हो गई है, मैंने सारी चीजों के बारे में वैसे बेसिकली जो जो चीजें थी मैंने बताई दी है, लेकिन और क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेती हूँ। एसी नॉन एसी के बारे में पूछा था उन्होंने, वो मैंने बताई दिया आपको। नॉन एसी का आपको हॉस्टल मिल जाएगा, उससे थोड़ा सा कम, कुछ ही कम होगा, बट इतना भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि नोएडा जैसे शहर में बिना एसी के आप नहीं रह सकते। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे थे कि नॉन एसी में कूलर मिलेगा क्या? हमारे इस वाले हॉस्टल में नॉन एसी वालों को दो ही थे शायद कमरे, उनको कूलर दे रखा था। औरों में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बिल्डिंग्स अलग अलग है, मैंने बता दिया कई सारी बिल्डिंग्स है, तो अलग अलग बंदे का अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग माइंड की वार्डन होती है, और फिर इन जो जिनके यहाँ रेंट पे लेके रह रहे हैं, तो ये बड़ा बड़ा सा इन्होंने अच्छा खासा सा घर बना रखा है अपना, खुद ऊपर रहते हैं ये, और एक एक कमरा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कुछ चीजें ऐसी उन्होंने अपनी तरफ से अच्छी अच्छी प्रोवाइड करा रखी है, तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसी होगी कि खाली बिल्डिंग ही होगी, अन्नपूर्णा वाले अपना सारा सामान डाल रहे हैं उसमें, तो वो उनके हिसाब से होगा। तो हर को आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को ज्यादा जज नहीं कर सकते, तो उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क रहेगा। और अब हॉस्टल कहाँ है ये मैंने बताया था, नॉलेज पार्क के आसपास बिखरे पड़े हैं, मतलब मैं ये नहीं कहती कि उसी एरिया में, अब तो बढ़ते बढ़ते सोसाइटी सोसाइटी आगे बढ़ते 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 बहुत दूर तक जा रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट इश्यू जो था वो भी मैंने बता दिया था, वो बच्चे ने किसी ने पूछा था। वॉशरूम कैसा है ये मैं आपको जब मैं टूर दूंगी ना इसका रूम का सब कुछ दिखाऊंगी कि क्या क्या आपको फैसिलिटी मिल रही है, क्या क्या चीजें मिल रही है। हमें इन्होंने एक वॉशिंग मशीन दे रखी है जो ऑटोमेटिक चलती है, मेरे पास तो वो है, हमारे हॉस्टल में तो वह है। औरों के पास कैसे कैसे क्या, क्योंकि मेरे एक क्लास में स्टूडेंट है वो बॉयज हॉस्टल में रहता है, उसने बोला कि उनको नहीं दे रखी है, उनके सिर्फ लॉन्ड्री लॉन्ड्री में जाते हैं कपड़े, तो पता नहीं ऐसा क्यों है कि किसी में कुछ किसी में कुछ, बट हाँ ऐसा है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। और इंडक्शन दे रखा है जो कि हर जगह ही दे रखा है, वो उनके हॉस्टल में भी है जो जिसके बारे में बात कर रही थी। अवन उनको नहीं दे रखा है, हम लोगों को अवन दे रखा है। तो हमारे पास बेसिकली 3 चीजें हैं, वॉशिंग मशीन, मैं अपने लॉन्ड्री में कभी कपड़े नहीं देती, मैं खुद से धोती हूँ, उसमें प्रेस प्रेस होके सब कुछ आ जाते हैं, बट वो मेरा कुछ पर्सनल इशू है इसलिए मैं नहीं देती, क्योंकि मुझे इनके कपड़े धोने पे विश्वास नहीं है, सबके गंदे बंदे, किसी को स्किन एलर्जी है, किसी को कैसे एक साथ धो देते हैं, ऊपर से सुखाते काहे जमीन पे डाल डाल के सुखाते, तो मेरा मन नहीं मानता। बाकी बहुत बच्चे हैं जो खुद धोना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो लॉन्ड्री में देते हैं। और अब क्या आता है, सारी ये सब चीजें तो हो गई है, सीसीटीवी कैमरा तो ऑब्वियस है कि लगे हुए होंगे, गार्ड वगैरह सेफ्टी वगैरह के, अगर कोई लड़की क्वेश्चन करती है कि सेफ्टी कैसी है, तो गार्ड अवेलेबल होता है 24 घंटे के लिए, नाइट शिफ्ट का अलग होगा और दिन का अलग होगा, तो है सिक्योरिटी, ये वाली सिक्योरिटी सही है। और क्या बोला कि हिडन चार्जेस कुछ है कि बाद में आपसे ले कि जी अभी हॉस्टल में हम ये वाला त्योहार कर रहे हैं तो इसके पैसे इकट्ठे कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। अन्नपूर्णा की एक तारीफ कर देती हूँ मैं, अब तक मैं सब ईमानदारी से ही बताऊंगी, जो अब तक बताऊंगी बहुत सारी कमियां भी है जो मैं धीरे धीरे बताऊंगी, जब खाने वाली बात होगी तो उसमें भी काफी सारी कमी निकल जाएगी। तो अभी मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था कि इशू है उसमें, हर कोई सेटिस्फाई नहीं है उस चीज से, उस वजह से हॉस्टल भी छोड़ छोड़ के जाते हैं एक एक साल करके बस। तो अभी एक तारीफ की बात बता देती हूँ, अन्नपूर्णा वाले कुछ फेस्टिवल्स को मनाते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हैं। न्यू ईयर की पार्टी इन्होंने हमें दी, इन्होंने स्टॉल्स वगैरह लगवाए एवं कि चलो ठीक है स्टॉल लगवा देते, जिसमें चाट टिक्की वगैरह के स्टॉल लगवाए, उसमें भी गए थे, मेरी ऐसी वीडियोस भी अवेलेबल है।
और इन्होंने ना एक बार खाने में कुछ कीड़ा निकल गया था, जिसकी वजह से बच्चों ने थोड़ा बवाल सा कर दिया। उस चीज़ को शांत करने के लिए ये मूवी पे भी लेके गए थे लड़कियों को, बट वो लड़कियों को लेके गए थे, लड़कों को नहीं लेके गए थे। ठीक है, तो ऐसा हुआ है। और इन्होंने ना आइसक्रीम, जब गर्मी हो जाती है तो ये हफ्ते में एक बार आइसक्रीम भी रखते हैं, और वैसे भी एक बार आइसक्रीम वाले को बुला के चलो एक ले लो दो तीन, हमने ऐसे करके अपनी मर्जी से तीन तीन दो दो आइसक्रीम ली है। तो ये वाली चीजें वो करते रहते हैं। ठीक है, हर हॉस्टल में नहीं करता कोई। भाई इनकी कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैं बता रही हूँ कि ये अपनी तरफ से कुछ चीजें अपना बेस्ट देने के लिए करते रहते हैं, और वो अच्छी लगती है, इंजॉय करते हैं लोग उनको चीजों को। और फैसिलिटी भी लगभग सारी ही दे रखी है, बस कुछ चीजों में आपको सर्वाइव करना ही करना पड़ेगा, जो मैंने बोला है आपको उन सब चीजों में। और भाई मैस फूड कैसा है? मैस फूड में आपको तभी बताऊंगी जो उसकी वीडियो अलग से होगी प्रॉपर दिखा के। और इसके बारे में पर्सनल टिप्स, पर्सनल टिप्स हॉस्टल के बारे में, एक तो मैंने फीस को लेके पर्सनल टिप बता दिया है कि आपकी बैंड बजने वाली है अगर आप NIU में और यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दोगे कि एक जगह कर दो। सही बात तो है कि इन्हीं को कर दो, NIU वालों को करोगे तो वो और तिगड़म मचाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको हॉस्टल चाहिए और NIU वाले आपको भेजेंगे या करेंगे दिखाएंगे कि हमारे अकाउंट में पैसे कर दो, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उनके में मत करो, इन्हीं के में कर दो। ठीक है, हॉस्टल ये चला रहे कर ये रहे हैं, अगर आपकी फीस पूरी जमा नहीं है तो ये लोग NIU में आपका वो पेपर वेपर रुकवा सकते हैं, ये चीजें करा सकते हैं, वो ये करा देंगे कह के करा देंगे। बट आप NIU वालों को फीस सबमिट मत करना, क्योंकि क्या होता है कि इनकी तरफ से फिर भी आपको थोड़ी बहुत टाइम की छूट मिली हुई, और NIU वाले ऐसा नो ड्यूज लगा के रोक देते हैं ना, छोटे छोटे इशू में जो उनकी तरफ क्लियर भी होता है वो उनकी तरफ क्लियर नहीं होता, उसमें बच्चा फंसता है, तो इन्हीं को फीस सबमिट कर देना। और पर्सनल टिप क्या हो सकता है, अपनी मर्जी से कर सकते हो, फीस अपने बजट के हिसाब से धीरे धीरे कर देना, कोई जरूरी नहीं है। बट ये है कि नो ड्यूज क्लियर कराते रहना। नो ड्यूज क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता क्या होता है कि एग्जाम से पहले ना आप एग्जाम फॉर्म तभी भर सकते हो जब भी जब आपकी सारी फीस क्लियर हो, आपके सब्जेक्ट की और आपकी इसकी हॉस्टल वगैरह की, तो उसमें अगर वो अटका हुआ है तो आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने नहीं देंगे। तो जो जो आपकी क्वेरीज थी उसके अकॉर्डिंग तो मैंने आंसर कर दिया, बीच में मुझे कॉल आ रही थी उसकी वजह से मैं बहुत सारी चीजें भूल गई होंगी, हो सकता है ऐसा कि मेरे दिमाग से निकल गया हो जो मैं, क्योंकि कंटिन्यू एक काम को करते रहते दिमाग में रहता है। तो अगर ऐसा कुछ रह गया है और आपको कुछ ऐसा पूछना है तो कमेंट कर देना, उसका मैं आंसर उसमें कर दूंगी, पर मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है। ठीक है, और अगर किसी को ये रहेगा इंडक्शन क्यों दिया गया है, आप कुकिंग खुद से भी कर सकते हो, जी कर सकते हो, वो इंडक्शन इसलिए दिया गया आप अपनी चाय कॉफी बना सकते हो, अगर आपकी तबीयत खराब है आप हॉस्टल का खाना नहीं खा सकते, या कोई भी रीजन है आपका खुद का हाथ का खाने के मन है, कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी रीजन है, आप उसमें कुकिंग कर सकते हो, जो कि मोस्टली बच्चे कर रहे हैं। और अब आके 6 महीने मैंने बड़े आराम से इनका खाना खाया, 6 महीने के बाद कुकिंग के अलावा मैं और अदर हॉस्टल के बच्चे कुछ कर ही नहीं रहे, क्योंकि नहीं पसंद आ रहा है वो खाना, बता देंगे। चलो उस बारे में बाद में बात करेंगे दूसरे वीडियो में। तो अगर इससे रिलेटेड कोई बात हो, हॉस्टल की कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगी। और इंस्टाग्राम पे आके क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई हूँ बच्चों बच्चों के उसमें हाइड में से भी पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मैसेज अटक रहे हैं, वहां से ढूंढ ढूंढ के मुझे उनके आंसर करने पड़ रहे हैं, और फिर जब 1 मिनट को मैं सोच लेती हूँ कि ठीक है मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इसी में कर दूंगी मैं इनके आंसर ना दूं, पर वो हाथ जोड़ के ऐसे बोलते हैं प्लीज दीदी प्लीज आपकी हमारी मदद हो जाएगी, तो फिर मेरे को वो वाला मेरा टाइम याद आ जाता है, जो जब मैं पहले स्टार्टिंग में आ रही थी मेरे को ये था कि मुझे कहीं से कुछ थोड़ा सा पता लग जाए। जिससे आपको NIU की कोई वीडियो चाहिएगी तो आपके जो NIU के एडमिशन से रिलेटेड वीडियो वो अलग आ जाएगी, उसके कोर्स के रिगार्डिंग फीस के रिगार्डिंग कुछ भी होगा वो मैं उसमें बता दूंगी, आपकी मैथ्स फूड की वीडियो अलग आ जाएगी। तो इनकी जो फीस हो चुकी है वो हो चुकी है 1,40,000, इन्होंने बढ़ा दी है, सिक्योरिटी अलग से है इसमें, अभी की फीस ये है। इससे पहले इनके पास नॉन एसी नहीं था, बहुत बच्चों को दिक्कतें आई क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे बता दिया कि हमारे पास नॉन एसी वगैरह अवेलेबल है, ये है वो है, यहाँ के पता लगता है उसके, जब हमने फीस भी उसके अकॉर्डिंग सबमिट कर दी बाद में पता लगता है कि नहीं है, फिर आप एडजस्ट करो और पैसे दो ये ऐसा। फिर एक दो कमरे में इन्होंने AC नहीं लगाए, कुछ बच्चों को प्रोवाइड भी करा दिए पर वो बहुत ही लिमिटेड रहा है।
ठीक है, ट्रबल में आए, मैं बस इतना बता रही हूँ कि बच्चे ऐसे क्लियर नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपको पहले क्लियर नहीं करेंगे, ये हॉस्टल वाले छुपाएंगे, कॉलेज वाले छुपाएंगे, और ऐसी तेजी जिसकी होगी वो खुद भरेगा, बच्चा ही बेवकूफ बनता है, ऐसे बनाया गया है हमें भी। तो फिर क्या है, इन्होंने इस बार एक और हॉस्टल नया दूसरी जगह पे, एक सोसाइटी है अल्फा के नाम से, वहां पे एक हॉस्टल बनाया बड़ा सा, वहां पे नॉन एसी वाले बच्चे हैं, नॉन एसी की कुछ कम फीस है। देखो जो चार्ट था वो मेरे से डिलीट हो चुका है, अंदाजा लगा लो, मैं अपनी पहले वाली फीस में से बताती हूँ, नॉन एसी का 1,15,000 विद सिक्योरिटी, नॉन एसी था, और फिर विद एसी मैं 3 सीटर का बता रही हूँ, 1,35,000 विद सिक्योरिटी, प्लस 10,000 सिक्योरिटी जो आपको रिफंडेबल होती है, जब आप यहाँ से हॉस्टल छोड़ते हो तब वापस मिल जाती, उसको मिला के मैं बता रही हूँ, 1,15 नॉन एसी और 1,35 विद एसी, ठीक है। तो ये था, और ऐसे अभी होगा इतना ही फर्क होगा, तो अब अगर 1,40 एसी है तो उससे नॉन एसी उससे कम होगा, ऐसे करके खुद ही अंदाजा लगा लो। तो अभी होता तो मैं उसको वीडियो में लगा देती, और ग्रुप व्रुप में ही किया था इन्होंने, क्योंकि इनके व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं ना फिर हॉस्टल का, कि उसमें मेन पता लगता रहता है कि ट्रांसपोर्ट का कैसे बस किया जा रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिलहाल ही ग्रुप इन्होंने बंद कर दिया, वो ग्रुप में कुछ खास नहीं करती, इन्होंने एक अपना अनुपूर्णा के नाम से ऐप कर दिया है, उस ऐप के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, या जो स्टूडेंट की कंप्लेन वगैरह रहती है वो ऑप्शन उसमें रहता है। फीस टाइम पे सबमिट नहीं करते तो आपका ऐसे ऐसे उसमें 100 पर डे फाइन लगता चल जाता है, तो उसको नो ड्यूज बोलते हैं। जिनकी सबमिट है उसको भी एक बार जाके ये वहां पे कंप्यूटर में क्लियर करवाना होता है कि चलो ये हमारा क्लियर हो गया, नो ड्यूज क्लियर, तो वो हर किसी को वहां पे जाना पड़ता है, जिसकी फीस सबमिट नहीं है वो करता है जाके, और जिसकी नहीं है वो सिर्फ क्लियर करा के आ जाता है। और हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन रह गया था, किसी बच्चे ने मुझे किया था कि अन्नपूर्णा से अलग, क्योंकि उनका इतना बजट नहीं है जितनी इनकी फीस है, इससे अलग आप, इससे अलग कोई ऐसा है जो, जिसमें अन्नपूर्णा से अलग कोई हॉस्टल आपकी नजरों में है जो मतलब इससे कम चार्ज का हो ये वो? तो भाई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, जो मेरे साथ में एक दो स्टूडेंट ऐसा है जो दूसरे हॉस्टल में रहता है, उनकी फीस भी अन्नपूर्णा की जैसी है, बस इससे थोड़ी सी ज्यादा ही होगी, और इतना कह सकते हैं। तो पीजी के बारे में भी आप पता करोगे तो आपकी यूनिवर्सिटी के पीछे सुपर टेक है, वहां पे आपको फ्लैट और पीजी वगैरह मिल जाएंगे, वहां पे बात कर लेना आप लोग, देख लेना आप जैसा भी आपको ठीक लगे, पर ज्यादा मैं नहीं जानती इस बारे में तो मैं बता नहीं सकती। एसी की टाइमिंग है पहले बता रही हूँ, गीजर की भी टाइमिंग है, एसी की टाइमिंग रहेगी आपकी कॉलेज टाइमिंग से, जैसे कि 3 बजे ऑन हो जाएंगे तो शाम के 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे, और फिर रात को 10 बजे से ऑन कर दिया जाएगा एसी, और फिर सुबह के 5 बजे तक आपका एसी चलेगा 5, और संडे, सिर्फ संडे और सैटरडे के लिए होता है कि आपका जो एसी है 3 बजे की बजाय वो होगा 12 बजे, 12 बजे के समथिंग वो ऑन हो जाएगा, और फिर वो वही प्रॉपर उसी टाइम पे अपने 6 बजे तक चलेगा वो। और गीजर की टाइमिंग होती है कि सुबह के 5 बजे से लेके या 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक, सुबह के ही वो ऐसे 9 बजे तक आई थिंक वो कॉलेज टाइमिंग के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कितने पढ़े रहे हो, अगर आप यहाँ पे ऐसा कि आज आपकी क्लास नहीं चल रही, आपकी छुट्टियाँ औरों की क्लास चल रही है, तो आपके लिए एसी नहीं चलेगा, प्रॉपर टाइमिंग पे ही एसी चलेगा। सर्विस के वगैरह के लिए सब खुद ही आ जाते हैं, कंप्लेन जो होती है वो लिख देते हैं उनको, वार्डन को वार्डन करा देती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चीजें फटाफट ठीक होती रहती है। टाइमिंग नहाने की बता रही हूँ आपको, कुछ नहीं है, आपका पर्सनल बाथरूम है, आप सारा दिन बाथरूम में घुस के नहाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाथरूम सारे एक ही जगह पे होंगे और ऐसे अलग केबिन से बने हुए होंगे, उसकी टाइमिंग होगी पानी आने की, कुछ नहीं है, जेल नहीं है, आपका पर्सनल आपके रूम में बाथरूम दिया जाएगा, कब तक नहाइए आप। और क्या रह गया है, मेरे हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, और कुछ रह रहा होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है, ओके बाय।